आरएसपुरा 16 जुलाई। बलिदानी हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को उनकी 27वें बलिदान दिवस के मौके पर सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताते चले कि स्कूल का नाम भी अब फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के नाम पर ही सरकार द्वारा रखा गया है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के अधिकारी शौर्य चक्र बाय के कांधलाकर मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा सैनिक स्कूल नगरोटा के प्रधानाचार्य के देसाई, एडीसी जम्मू सरदार हरविंदर सिंह, स्कूल की प्रधानाचार्य मनमीत बाली तथा शरीर के परिजनों सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर कर बलिदानी हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के चित्र पर फूलमालाएं अर्पित कर उन्हें अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं बलिदानी के माता पिता ने स्कूल की उन छात्राओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक हासिल कर चित्र तथा स्कूल का नाम रोशन किया है। इस मौके पर वायुसेना के अधिकारियों ने बलिदानी हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वायुसेना के वीरों ने हमेशा ही देश की रक्षा की खातिर अपना पूरा योगदान दिया है और योगदान के दौरान कई वीरों ने शहादत भी प्राप्त की है और उनमें से एक आरएसपुरा क्षेत्र के बलिदानी हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल भी थे जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल नगरोटा से शिक्षा हासिल करने के बाद अद्वितीय बल फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बने। इस मौके पर वायुसेना के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को भरोसा दिलाया कि स्कूल के विकास की तरफ को पूरा ध्यान दिया जाएगा। समय समय पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी स्कूल में वायुसेना की तरफ से करवाया जाएगा। इस मौके पर सैनिक स्कूल नगरोटा के प्रधानाचार्य तथा एडीसी जम्मू हरविंदर सिंह ने भी अपने विचार रखे और कहा कि ऐसे शूरवीर ऊपर हमेशा हमें गर्व महसूस होता रहता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए हम सबको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और जहां पर भी हमारी जरूरत पड़े हमें अपना पूरा योगदान देश के लिए देना चाहिए। इस मौके पर शहीद के माता पिता सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस दौरान शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से स्कूल के लिए वाटर कूलर भी दिया गया। A soul that was truly son of the soil and a pride, a jewel of Sainik School Nagrota, which was Flight Lieutenant Advitiya Bal. It goes without saying that influence, bahut kuch milta hai, tab jaake somebody like Flight Lieutenant Advitiya Bal comes into existence. And I'm proud that his journey passed through Sainik School Nagrota, of which I'm interested. He must have contributed, and the path he chose of the country's honor and safety of the men of the country first. School ke colleagues, un school ke seniors as well as juniors ko yaad karein jinhone supreme sacrifice diya is country ke liye. देखिए हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है बट दे हैव मेड ए नेम फॉर देमसेल्व्स एंड दिस इज सच अ मोमेंट व्हेन वी गो टू देम वी पे आवर रिस्पेक्ट्स टू देम एंड वी ट्राई टू फॉलो देयर पाथ जैसा उन्होंने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया कल को अगर हमें भी जरूरत पड़े तो हम भी करेंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, कैंडी सर, जितने भी हमारे मैम हैं, जितने भी हमारा स्टाफ है यहाँ का, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। It is indeed a moment of pride that I today stand in front of my teachers also. I'm getting to talk to you. हमारे जो बच्चे हैं, this is indeed a moment of रखा गया जिससे आप relate कर सकते हैं। Somebody who was your age, such a tender age. तो जैसा कि principal ma'am ने बताया कि be doing good in life and specially we want you to join Indian Armed Forces, make a name for yourself as well. दुनिया को गुड बाय बोल दिया बट ऑन अ गुड नोट। जब हम दुखी हों ये सोच के कि मोमेंट है जब हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें, एक ऑप्टिमिज्म उससे ड्रॉ करें, पॉजिटिविटी उसमें देखें। और आप सब फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और जैसे ही वो अपनी उड़ान की प्रैक्टिस में अपने बाकी सभी देशवासियों को एक मिसाल बताना चाहते थे, उसी मिसाल के एक उदाहरण में उन्होंने अपनी जान दे दी और आज हम सभी उनका जो है यहाँ जन्मदिन उनके परिवार सहित और यहाँ पे आए हमारे जितने भी आदरणीय मेहमान हैं उनके साथ मना रहे हैं। मैं प्रधानाचार्य गवर्नमेंट
गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ एक नाम जुड़ गया है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीया बल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आरपुरा। ये सभी हमारे टीचर्स हैं वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, ऑफिसर्स हैं, अरविंद बजाला के यहाँ पे बजाला के पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनके पिता श्री सभी आज उन्होंने भी हमारे स्कूल में यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बताई और हमारे साथ इस ओकेजन में शामिल हुए। क्योंकि जब अगर हम एक नज़ारा देखें तो अनगिनत सितारों से भी ऊपर, इस आसमान से भी ऊपर है, ये ऐसी संख्या है जो कि हम सिर्फ अपने दिल में रख सकते हैं। हमारे शहीद जितने भी सैनिक वायुसेना से जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उनके वीर सिपाही जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, उनको आज अद्वितीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के जन्मदिन पर शत शत नमन करती हूँ। क्योंकि ये एक उदाहरण है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल जी एक उदाहरण है हमारी आज की युवा पीढ़ी की। कैसे फौजी देश के लिए कर रहा है? नहीं, सारे बच्चे सोचेंगे कि मैं भी कुछ करना चाहता हूं, तो सिर्फ फौज में ज्वाइन होके क्या सारे बच्चे फौज ज्वाइन कर पाएंगे? असलियत तो यह है कि सारे बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो क्या बाकी कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए? जैसे कि अभी जो हमारे सर ने एक स्पीच दी है कि बॉर्डर पे खड़े रहते हैं आर्मी के स्टूडेंट्स, देश की रक्षा करते रहते हैं, ये सारे काम हम देश के लिए करते हैं, देशवासियों के लिए करते हैं। तो आप भी वो देशवासी बनिए जिसके लिए एक फौजी को काम करने में गर्व आए। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ करिए। आप एक डॉक्टर बने तो एक अच्छे डॉक्टर बने, आप एक इंजीनियर बने तो एक अच्छे इंजीनियर बने। आप कोई भी काम करें, टीचर्स ही तो आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अगर आप टीचर हैं तो आप एक अच्छे टीचर बने। ताकि हम सब अगर हमारे स्कूल डेज में मुड़ के देखें, हमारे सारे टीचर्स में कुछ टीचर्स होते हैं जिनको हम याद करते हैं, उनको हम अगर हम याद कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने ही आज हमें बनाया है। करेक्ट, आज मैं जो खड़ा हूँ मेरे टीचर्स के बदौलत खड़ा हूँ। तो सिर्फ फौज ज्वाइन करके ही आप देश सेवा कर सकते हैं ऐसा नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाएं उसमें आप अच्छा करें, स्पेशली मैं जो बच्चे बैठे हैं उनको कहूँगा उस फील्ड में अच्छा करें, आप देश सेवा करेंगे। कुर्बानी देना एक बहुत ही इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम स्टेप कि फौजी तो ये करता है। अगर मैं बहुत ही रिसेंट बात करूं तो दिल्ली में अभी फ्लड्स चल रहे हैं जहां पे सीपीडब्ल्यू वगैरह फेल हो रहे हैं, आर्मी को बुलाया गया। कुछ भी कर लो, आर्मी की एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हमारे खून में ट्रेनिंग में सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग में घुसाया जाता है कि अगर हम काम करेंगे तो हारना तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई होगी तो हारना तो ऑप्शन होता नहीं है। तो आर्मी में जो गेट्स बंद किसी और से नहीं हो रहे थे वो गेट्स बंद कर दिए एंड दिस स्टेट इज इम्प्रूविंग। तो हाथ में ले तो हारना तो ऑप्शन है ही नहीं। हमको जो भी काम करना है अच्छा काम करना है और यही करना है। आई गेस ये कह के मैं अपने दो सब खत्म करूंगा एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द प्रिंसिपल न्यू हाइट्स एंड वी विल सी द आई वुड बी हियर। लोग बदलते रहेंगे, फौज में तो लोग बदलते रहते हैं, बट आई एम श्योर द एयरफोर्स इज गोइंग टू स्टे हियर, द आर्मी इज गोइंग टू स्टे हियर एंड वी विल सी दिस स्कूल ग्रोइंग, वी विल सी द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।